सर्वतः सर्वसंघानुभावेन सदाशोति भवन्ति ते साधु साधु साधु। ये आए हुए ये उपासक ध्यान साधना में बैठे अनुवाद से बहुत सारे लोग ध्यान साधने के लिए आए और इस प्रेरणा से आगे जाकर खूब सारा शिविर करे अनुभव है ना ब्रह्मानुभाव है ना संघानुभाव है कामना करते हैं। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुदारेण सदाशोति भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुदारेण सदाशोति भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदाशोति भवन्ति ते साधु साधु साधु। ते सरनेना
सह पंचशीला तमं याचामि अनुदहं दत्वा शीलं देता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि तमं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि तमं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि भूतं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तमं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वीरमणिः सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणिः सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणिः सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणिः सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वीरमणिः सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुतां सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि ध्यान साधना करते हुए कर्नाटक के ये उपासक समूह परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाप्रयाण 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में मुंबई दादर के चैत्य भूमि नज़दीक ये जो शिवाजी पार्क है यहाँ पर ध्यान साधना कक्षे का ये पेंडल लगा हुआ है और यहाँ 5 तारीख 6 तारीख पूरा दिन ध्यान साधना कक्षे संचालन होने वाला है। तो यहाँ ये पहला समूह है जो कर्नाटक से आए हुए ये उपासक ध्यान साधना में बैठे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये विपश्यना ध्यान साधना का उद्घाटन के बाद ये पहला ये ग्रुप में बैठे हुए उपासिका है। आगे बढ़िए। लो इतना ध्यान बैठा तो कितना हाईलाइट हो गया। अब ये बुद्धा टीचिंग चैनल में देखना आएगा। जब दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है उसे बदलने की कोशिश न करें, केवल जानना ही है। सांस लंबा है, लंबा है, छोटा है तो छोटा है तो छोटा है उसे भी बदलने की कोशिश नहीं कर।
और बोलिए साधु 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 महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिवार वंदना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष के ध्यान साधना सत्र में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ पूजनीय भिक्खु हर्षबोधि महाथेरु बंती जी प्रमुख संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज विशेषतः सुबह से लेके शाम तक सैकड़ों उपासक उपासिकाओं ने इस विशेष विपश्यना ध्यान साधना कक्ष में ध्यान साधना का लाभ उठाया। आज विशेषतः 5 दिसंबर कल 6 दिसंबर महामानव भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाप्रयाण दिन सरस्वतीवा महाप्रयाण दिन के निमित्त संयमो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के विशेष ये माध्यम द्वारा यहाँ मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि नजदीक ये जो शिवाजी पार्क है यहाँ पे विशेष ये विपश्यना ध्यान साधना कक्ष ये संचालित है और यहाँ बहुत सारे उपासक उपासिकाएं जो देश के कोने कप्पे से आए हैं सभी लोग यहाँ ध्यान करते हैं और हजारों लोग इस ध्यान का लाभ उठाते भी है। सुबह जो पूजनीय भिक्खु संघ द्वारा इस ध्यान साधना कक्ष की उद्घाटन से लेके शाम तक अभी सामूहिक साधना द्वारा संपन्न होने तक सैकड़ों लोगों ने ये ध्यान साधना का लाभ उठाया है। आज के दिन ही इतने लोगों ने ध्यान साधना का लाभ उठाया तो कल तो 6 दिसंबर है, लाखों लोग इस शिवाजी पार्क में बाबा साहब के प्रति अभिवादन करने के लिए बाबा साहब के प्रति आदरांजलि प्रकट करने के लिए आने वाले है। कितने कितने लोग यहाँ ध्यान साधना करने वाले है। संपूर्ण उपासक उपासिकाएं इस विपश्यना ध्यान साधना कक्ष में ध्यान साधना के लिए आ सकते हैं। आना पाना स्मृति ध्यान हर 10-10 मिनट का रहता है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग अलग ध्यान साधना की व्यवस्था करके रखे है। तो सभी उपासक उपासिकाएं कल के दिन भी ध्यान साधना के लिए यहाँ आ सकते हैं और आना भी चाहिए। और आज विशेषतः पहला दिन 5 दिसंबर ध्यान साधना का सत्र तो समापन हुआ है पर आज संयम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के विशेष नेतृत्व में दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होने वाला है। रात के 12 बजे महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अभिवादन आदरांजलि के लिए रात के ठीक 12 बजे पंचशील प्रार्थना के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा लेते हुए ये अभिवादन आदरांजलि प्रकट करने वाले हैं। इसके लिए रात के 11 बजे से ये विपश्यना ध्यान साधना कक्ष के बाहर यहाँ जमा होना है और सभी उपासक उपासिकाएं हाथ में मेनबत्ती जलाते हुए कैंडल मार्च के साथ ये मूल स्टेज के तरफ जाना है और वहीं विशेष कार्यक्रम
विशेष त्रिरत्न वंदना विशेष 22 प्रतिज्ञा के साथ महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अभिवादन प्रकट करने वाले हैं, आदरांजलि प्रकट करने वाले हैं। आज रात के 11 बजे से ये ध्यान साधना कक्ष के बाहर जमा होना है हाथ में कैंडल लेके। तो आज का ये पहला ये ध्यान साधना सत्र पहला दिन का यही संपन्न होता है। जो जो यहाँ ध्यान साधना करके गए हैं उन सभी को जो जो ध्यान साधना ये बैठने के लिए तैयारी करने वाले जागरूक उत्सुक और एक्टिव ये जो संयम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के संपूर्ण मंडली और संपूर्ण धम्म सेवक सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में इसी तरह से पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ यह अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके ऐसी कामना करते हुए पूजने भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए बैठिए। सबेते विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे देकायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते ईचितं पातितं दुह्यं क्षेपमेव समेततो सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पाति सकसम्पातिमेव च अतो निर्वाण सम्पाति इमिनाते समेततो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।